नमस्कार, मेरे मिस्टर आपका चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ समग्र आईडी की ई केवाईसी को ऑनलाइन कैसे करें। अगर आप मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहते हैं, जिन महिलाओं की एज 23 साल से लेके 60 साल के बीच में है, उन सभी महिलाओं को मुख्यमंत्री की तरफ से लाडली बहना योजना की तरफ से 1000 रुपये महीने के खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। तो अगर आप साल के 12000 रुपये मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आपको अपनी समग्र आईडी की ई केवाईसी को ऑनलाइन करना पड़ेगा। तो इस वीडियो पे मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी समग्र आईडी की ऑनलाइन ई केवाईसी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। समग्र आईडी की ई केवाईसी को ऑनलाइन करने के लिए आपको गूगल में लिखकर सर्च करना होगा समग्र। इस तरह से आपको गूगल में लिखकर सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले नंबर पर वेबसाइट मिल जाएगी समग्र.gov.in, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसा वेबसाइट पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको एक पॉपअप का ऑप्शन मिल जाएगा, महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया समग्र पोर्टल में ई केवाईसी करने के लिए क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में यहाँ पर क्लिक करें, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपके सामने अगली डिटेल यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आप जिस समग्र आईडी में अपनी ई केवाईसी करना चाहते हैं, वो यहाँ पर आपको अपनी समग्र आईडी नंबर यहाँ पर डाल देना है। समग्र आईडी नंबर डालने के बाद नीचे यहाँ पर आपको कैप्चा कोड मिलेगा। यहाँ पर देखिए आपका जो भी कैप्चा कोड है, उस कैप्चा कोड को यहाँ पर आप फिल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कैप्चा कोड को डाल दिया है। आपका यहाँ पर जो भी कैप्चा कोड है, उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको खोजे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है, आपकी समग्र आईडी में मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, कृपया अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें। तो अगर आपके समग्र आईडी में आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आप अपनी समग्र आईडी में जो भी मोबाइल नंबर दर्ज करना चाहते हैं, उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको ओटीपी भेजे पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर एक ओटीपी भेज दिया गया है, यहाँ पर आपको ऑप्शन जाएगा आपके मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी प्रविष्ट करें। तो आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी भेजा गया है, उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको सुरक्षित करें पर क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसा आप सुरक्षित करें पर क्लिक करेंगे, आपका अगला पेज कुछ इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपकी जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है, वो यहाँ पर सभी डिटेल आ जाएगी। आपकी समग्र आईडी क्या है, वो यहाँ पर आपकी समग्र आईडी आ जाएगी। और आपकी परिवार आईडी क्या है, वो यहाँ पर आपकी परिवार आईडी आ जाएगी। आपका नाम क्या है, वो यहाँ पर आपका नाम भी दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, आधार और बचोल आईडी। तो अगर आप अपने आधार नंबर से अपनी ई केवाईसी को करना चाहते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको अपना यहाँ पर आधार नंबर डालना है, ठीक है। तो आपका जो भी आधार नंबर है, उसको यहाँ पर आप फिल कर दीजिए। आधार नंबर डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, ओटीपी द्वारा और बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट द्वारा। तो अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप अपने मोबाइल नंबर के द्वारा अपनी यहाँ पर ई केवाईसी को कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर दर्ज नहीं है, तो यहाँ पर आप अपनी ई केवाईसी को बायोमेट्रिक के द्वारा करवा सकते हैं, ठीक है। किसी भी जन सेवा केंद्र, सेसी सेंटर, लोकवाणी केंद्र पर जाकर आप अपनी ई केवाईसी को बायोमेट्रिक के द्वारा करवा सकते हो, अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, ठीक है। तो मेरे आधार कार्ड के साथ हमारा मोबाइल नंबर लिंक है, तो यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑप्शन को सेलेक्ट रहने दूंगा। इसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, आधार से ओटीपी का अनुरोध करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी सेंड कर दिया गया है। अब आपको यहाँ पर थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर एक ओटीपी भेज दिया गया है। यहाँ पर आपको अपना ओटीपी डालना है। आपके मोबाइल पर जो भी ओटीपी आया है, उसको यहाँ पर आप फिल करेंगे। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पर आपको स्वीकार करें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसा आप स्वीकार करें पर क्लिक करेंगे, इसके बाद देखिए आपके सामने जो अगली डिटेल है, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से ओपन होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी जो भी पर्सनल जानकारी है, वो यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल ओपन हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपकी समग्र आईडी में क्या क्या गलत है, वो यहाँ पर आपको सभी ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, समग्र के अनुसार और आधार के अनुसार। यहाँ पर देखिए आपकी समग्र आईडी में जो भी डिटेल गलत है, वो यहाँ पर आपको रेड कलर में देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आधार के अनुसार है, यहाँ पर जो भी आपकी आधार कार्ड में डिटेल है, वो यहाँ पर आधार के अनुसार नीचे यहाँ पर डिटेल दी गई है। और जो समग्र के अनुसार आपने जो भी समग्र आईडी में अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, आपने अपनी जो भी डिटेल दी थी,
वो यहाँ पर आपकी समग्र आईडी की यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, ठीक है। तो अगर आप अपनी ई केवाईसी को करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने आधार के अनुसार अपनी ई केवाईसी को करना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो ई केवाईसी होगी वो आधार कार्ड के अनुसार होगी, तो आपका जो भी आधार कार्ड में नाम है वही आपका यहाँ पर समग्र आईडी में होना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पर आपको रेड कलर में देखने को मिल रही है ये आपकी सभी डिटेल गलत है। तो आपको इसे सही कैसे करना है, आपको यहाँ पर देखिए नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए आपको इस वाले कॉलम पर क्लिक करना है, ठीक है। तो देखिए जैसा पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इसका मतलब देखिए ये है आपके आधार कार्ड के अनुसार आपकी जो भी डिटेल है उसको लिया जाएगा, ठीक है, आपके आधार कार्ड के अनुसार आपकी ई केवाईसी को किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है क्या आप अपना नाम हिंदी में बदलना चाहते हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको इस वाले कॉलम पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए आपका नाम यहाँ पर हिंदी में आ जाएगा। अगर यहाँ पर आपका नाम हिंदी में गलत है तो आप इसे यहाँ पर एडिट कर सकते हैं, सुधार सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपको नीचे आना है और नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा स्थानीय निकाय को अनुरोध भेजें, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे आपकी जो समग्र आईडी की ई केवाईसी वो कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरह से दोस्तों आप ऑनलाइन घर बैठे अपनी समग्र आईडी की ई केवाईसी को ऑनलाइन कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो दोस्तों आप में कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।